स्टडी कर दो स्टूडेंट्स जिहड़े कैनेडा अप्लाई करना चाहते हैं हुण कई स्टूडेंट्स का ग्रैजुएशन तो बाद काफ़ी गैप होंगे है। कई ने ग्रैजुएशन तो बाद भी 5 साल 7 साल तक का गैप हो जाता है। कई ने मास्टर्स की होंगी है, कई ने मास्टर्स तो बाद भी फरदर भी जिमें पी जी डिप्लोमा या बैचलर ऑफ एजुकेशन वगैरह की होंगी है। तो लाइक मेच्योर स्टूडेंट्स के वास्ते ज़्यादा ऑप्शन कंसलटेंट्स को नहीं होंगे। वह कारण की है भी हूँ साढ़े को केसिज रूटीन आते रहते हैं, बैचलर की मास्टर की उस तो फरदर मास्टर की अपलाई की किया जी पी जी सर्टिफिकेट कोर्स पी जी डिप्लोमा कोर्स भी ठीक है जी। एजेंट तो यह देखता मेरी कमीशन कितों वाद आती है भी चलो जी दिखा दो फाइल में सूँ की फर्क पैदा। हूँ उस तरीके वीज़ा जोड़े है सक्सैस रेट नहीं आता है। वो कोर्स रेजिडेंसी की भी कितना कितने सू जिमें मोस्ट ऑफ द केस 90% केस यही देखने को मिले भी कोर्स रेजिडेंसी जी हैगी है वह नहीं सी उन्होंने क्योंकि नैचुरली गल भी मास्टर जी अगर तुम किसी चीज़ कर दी है फॉर एग्जाम्पल जिमें दिना भी सू बी कॉम की है जी फिर एम कॉम कर दी एम कॉम तो बाद बच्चे ने बी एड कर दी फॉर एग्जाम्पल टीचिंग कर रहा बच्चा टीचिंग पढ़ा रहा है तो हूँ ऐसा बच्चा हूँ किमें अपलाई करे अगे भी फरदर उन्होंने हूँ हूँ ना उन्होंने एजुकेशन रिलेटिड कोर्स मिलता ना अकाउंटिंग रिलेटिड मिलता है फिर उन्होंने कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दे देंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट दे देंगे जिसका कोई लॉजिक नहीं बनना है। हूँ ज़्यादातर कंसलटेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के नाल कैनेडियन यूनिवर्सिटी का काम करना नहीं आता या एंट्री रिक्वायरमेंट फस जाते हैं या उन्होंने एडमिशन कढ़नी नहीं आती या फिर वो कितना कितने वो कंफर्टेबल नहीं है। सब तो मेन कारण यह भी रहता है भी कमीशन जी कॉलेज ज़्यादा होंगी है सबनों ही पता है भी यूनिवर्सिटी कमीशन घट होंगी अद्धी तो भी घट होंगी है। हूँ वो की होंगे भी कॉम्प्रोमाइज़ जरा है बच्चे के केस ना हो जाता है तो बच्चे का जोड़ा केस है वह कमजोर कर दिता जाता है सिर्फ आपकी कमीशन के चक्कर क्योंकि कंसलटेंट कहता भी मैं बच्चे ने तो कुछ देना नहीं है भी कैनेडा का स्टूडेंट जे है कंसलटेंसी चार्ज नहीं देंदे है या देना नहीं चाहते या मंगना नहीं चाहता या उन्होंने ऐसा लगता भी कि बच्चा ना चला जाए तो कमीशन से सारा काम चलता है सारा। तो हूँ साड़ी कंपनी ये उपर उठ के काम करती है भी नहीं सानू वीज़ा चाहिए बाकी सारिया गलत बात नहीं। हूँ मैं सू दसूँगा भी मास्टर्स जी हैगी है वो किस तरीके दी जा सकती है भी किन्नी फीस स्ट्रक्चर होएगा की एंट्री रिक्वायरमेंट होएगा जी आर ई जी मैट की रिक्वायरमेंट कितने होएगी तो ये चीज़ जी है काफ़ी मिथ्स हैगी है मास्टर्स में लैके जीडिया मैं सूँ क्लीयर करूँगा। अच्छा पहली गल आप गल करा भी एंट्री क्राइटेरिया से पहली गल यही है भी कई यूनिवर्सिटीज़ जी है वो 3 साल की बैचलर मंगदी हैं कई 4 साल की बैचलर मंगदी हैं तो कई बैचलर तो मास्टर्स नू मिला के भी सूँ 4 साल की बैचलर सूँ कंसिडर कर चीज़ सू क्लीयर होनी जरूरी है। कई यूनिवर्सिटी 4 साल की ही मंगनगियाँ फिर वो मास्टर्स ना थोड़ा कवर हो जाएगा जिथे थोड़ा 3 साल की बैचलर नहीं चलेगी 4 साल की ही चलेगी। फिर कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिड़ियाँ कि भी 3 साल की बैचलर के उत्ते डायरैक्ट एडमिशन दे दें। सो य हो गया करंट एंट्री क्राइटेरिया 3 तरीके का पहला 3 साल की बैचलर या 4 साल की बैचलर 4 साल की जो बैचलर है तो या तो इंडिया तो 4 साल की ही बैचलर जिमें बी टैक हैगी 4 साल की होंगी 4 साल की बैचलर कर दी ओके है नहीं तो बैचलर तो मास्टर को कंबाइन करके भी तुम 4 साल की बैचलर उन्होंने कंसिडर करवा सकते हो जो कि यूएस के कैनेडियन यूनिवर्सिटी उन्होंने एक्सैप्ट करती है। यह गल क्लीयर हो जाती है। दूजी गल आ गई परसेंटेज की परसेंटेज घट्टो घट भी 50% की भी एक्सैप्ट कर देती है यूनिवर्सिटी जी है इस करके केस टू केस बेसिस से है तो बारे आप ज़्यादा डीप से डिस्कस नहीं कर सकते। तीसरी गल आ गई गैप की गैप ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जड़िया है वो मंगती हैं कोई ना कोई वर्क एक्सपीरियंस या कुछ ना कुछ तो अगर गैप थोड़ा हैगा तो भी चंगी गल है नहीं हैगा तो भी चंगी गल है क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ में गैप चाहिए ही चाहिए भी उन्होंने सूँ वर्क एक्सपीरियंस मंगने मंगने भी बैचलर तो बाद तुसी वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो सूँ एडमिशन नहीं देनी है। हूँ तो सूँ उस तरीके टारगेट कर सकते हो भी जे थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है गैप नहीं है फिर तुम वो यूनिवर्सिटी एक्सैप्ट अपलाई करो जिथे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर थोड़ा गैप है फिर वर्क एक्सपीरियंस जो दिखा के तुम अपलाई करो तो गैप जो है वह भी कवर हो गया ना तो एडमिशन भी आराम आ गई सारा कुछ थोड़ा पॉइंट्स क्लीयर हो गए। इस तो अलावा आ गई गल जी है भी कितना ज़्यादा तो ज़्यादा गैप एक्सेप्ट कर दें यूनिवर्सिटीज़ जो जो सा एक्सपीरियंस रहे 12 साल 15 साल तक के भी असी जे गैप के जो वीज़ा दिते ने भी ग्रैजुएशन तो बाद लेकिन प्लस टू तो बाद 12-15 साल नहीं ग्रैजुएशन तो बाद क्योंकि ग्रैजुएशन तो बाद अगर तुम वर्क एक्सपीरियंस दिखाते हो फिर दिखाते हो भी मास्टर कर जाने बहुत वधिया सक्सैस रेट आता है। फिर आ गई गल जी भी IHPT की रिक्वायरमेंट की है। हाँ बहुत बढ़िया टॉपिक है तो बहुत इंट्रस्टिंग भी है यह चीज़।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਇਲਟਸ ਤੇ ਪੀਟੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 6.5 ਨੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੈਨ 6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ 7 ਬੈਂਡਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਟ 6.5 ਨੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੈਨ 6 ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਈਚ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ESL ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ PT ਦੀ ਗੱਲ, PT ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 60 ਓਵਰਆਲ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਸਟਰਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ESL ਦੇ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 62 ਮੰਗਦੀਆਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ 65 ਮੰਗਦੀਆਂ, ਬਟ ਅਗਰ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 60 ਓਵਰਆਲ ਤੇ, ਓਵਰਆਲ ਮੀਨਸ ਓਵਰਆਲ ਈਚ ਨਹੀਂ, ਓਵਰਆਲ 60 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 6 ਈਚ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ 6.5 ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ PG ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਲੱਸ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਕਿ PG ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ PG ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਆ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ। ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੂਗਲ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਲੱਸ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਡੂਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈ, ਵੀ ਡੂਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨੀਮਮ ਡੂਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 16 ਮੰਥਸ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਈਅਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਨੀਮਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਰਾਊਂਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫੀਸ 17-17.5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਰਾਊਂਡ 21-22 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰਸ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਟ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ $8,000-$9,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਨਟੇਕਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ 1-2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 7B ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ 6.5 ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਚ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 65% ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੋ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $10,000 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਬਟ ਰਿਮੋਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ $17,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, PG ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, PG ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਵੀ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, GRE GMAT। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ GRE ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ GMAT ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਸਟਰਸ ਸਿਰਫ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, GRE ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? GRE ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, GMAT ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ MBA ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ GMAT ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, GMAT ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਜ ਸੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਸਟਰ 'ਚ ਲੈ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ GMAT ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ MBA ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ MBA ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ MBA ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, MBA ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ GMAT ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਸਟਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ GMAT ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਐਸ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ GMAT ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੇਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ GMAT ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ 60-70% ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ MBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ
वर्क एक्सपीरियंस हैगा या जिन्हें की रिक्वायरमेंट नहीं हैगी। फिर आ गई जी आर ई की गल, जी आर ई के भी उही गल आ गई भी वर्क एक्सपीरियंस अगर थोड़ा है तुम इंजीनियरिंग के मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हो, जी आर ई थोड़े को नहीं है वर्क एक्सपीरियंस दिखा सकते हो, या कई मैं कह काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी कैनेडा में ऐसी है जो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग के पीछे जी आर नहीं मांगती, कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ है जड़िया कि US यूनिवर्सिटी ना ज़्यादा कोलैबोरेटिव है उ मंगती हैं, इस करके जी आर ई देना मैटर नहीं। बाकी जो कोर्स आ गए जिम्मे मास्टर ऑफ आर्ट्स के कोर्स आ गए, मास्टर ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट आ गया, फिर मास्टर ऑफ एजुकेशन आ गया, मास्टर ऑफ IT साइंस ये वो जो भी मास्टर्स की तुम सोच सकते हो भी हर तरीके की मास्टर्स अवेलेबल हैगी, उन्होंने वास्ते कोई जी आर ई जी मैट की रिक्वायरमेंट नहीं हैगी। तो IELTS PT की रिक्वायरमेंट जिम्मे मैं सूँ क्या भी वेरी करती है, बट फिर भी आप मिनीम की गल करिए कोई जी आर ई नहीं कोई जी मैट नहीं उस तो बिना थोड़ा काम चल जाएगा। सूँ कोर्स जोड़े है जिमें मास्टर्स के है अगर वधिया एजुकेशन की गल करिए घट IELTS PT के स्कोर की गल करिए 6 ईच ना लै सकते हो 60 ओवरऑल ना लै सकते हो, तो ऑफर लैटर्स भी जी है मैक्सीम 5-7 दिन ऑफर इशू हो जाएगी। अगर तुम क्विकली करना चाहते हो तो जनवरी इनटेक वास्ते अवेलेबिलिटी मास्टर्स की बिल्कुल हैगी है। इस तो अलावा अगर थोड़े बैंड कितने घट गए फॉर एग्जाम्पल 60 नहीं है 58 है 59 है तो तुम ESL रीडिंग टू मास्टर भी कर सकते हो। ESL होंगे भी 3 महीने का सूँ इंग्लिश का कोर्स होएगा जिसकी फीस अप्रोक्सीमेटली 3500 के आसपास होएगी, कंबाइन करके अपना PT का स्कोर ना लगा के MBA एडमिशन लै सकते हो या मास्टर एडमिशन लै सकते हो, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी इन्हों एक्सैप्ट करती है। तो ये की है भी एक तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट का चक्कर खत्म हो जाता भी तुम जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हो तुम कह सकते हो देखो जी मैं इंग्लिश भी पहले पढ़ूंगा ताकि मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी तो उस बाद मैं अपनी मास्टर कंटिन्यू करूँगा। अगर थोड़े अकैडमिकली तुम वीक हो या रेलेवेंट तुम्हें पढ़ाई नहीं की हैगी तो तुम प्री मास्टर भी लै सकते हो जो कि एक 4 महीने का कोर्स होंगे, तो 4 महीने के 3 या 4 सबजैक्ट पढ़ाए जाएंगे जेडे कि सूँ मास्टर वास्ते प्रिपेयर करते हैं जो कि बहुत ईजी सबजैक्ट्स होंगे, तो वो फीस भी कोई ज़्यादा नहीं होंगी अराउंड 4 to 5 हज़ार के आसपास होंगी है। इस करके अगर थोड़ा गैप हैगा ज़्यादा तो मैं रिकमेंड करूँगा मास्टर्स प्ले करो, महंगा प्रोजेक्ट नहीं है, सक्सैस रेट बहुत हाई आता है। जेकर थोड़ी रिजैक्शन हो चुकी है बैचलर मास्टर्स कर रखी सी तुसी PG डिप्लोमा PG सर्टिफिकेट कोर्स है कि अप्लाई किया वीज़ा रिजैक्ट हो गया, जरूर तुसी इस ऑप्शन पर ऑप्ट कर सकते हो, तुसी इस चीज़ बारे सोच सकते हो भी मास्टर्स अप्लाई करके वीज़ा दिता जाए। साड़ी कंपनी स्पैशलाइज करती है जी रिजैक्टेड केसिस, रिजैक्टेड केस अगर थोड़ा है प्लीज़ कॉन्टैक्ट करो, मैं खुद डायरैक्टली देख रहा रिजैक्टेड केसिस भी किस तरीके आप बेस्ट प्रिपेयर करके फाइल में वीज़ा दिता जा सके। आई होप ये वीडियो जरा है यूजफुल लगेगा खासकर वो स्टूडेंट जिन्हें गैप है ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो अगे एक सक्सैसफुली कैनेडियन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं सिंगल या अपने स्पाउस के नाम, इस करके अगर तुम वीज़ा जरा है कैनेडा का सक्सैसफुली अप्लाई करना है तो जरूर ऑप्ट करो यूनिवर्सिटीज़ के मास्टर्स नू। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए करियो तुम इस वीडियो सबसक्राइब करिए साडे यूट्यूब चैनल नू, फेसबुक ते इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करो रेगुलर इन्फॉर्मेशन वास्ते ते अपडेट वास्ते। अपना केस डिस्कस करना चाहते हो जरूर तुम अपना जरा अपना व्हाट्सएप कर सकते हो नीचे दिए हुए नंबर से, तो साडी कंपनी तो इंक्लूडिंग मैं सूँ जरूर डायरेक्टली अप्लाई करूँ। थैंक यू।